पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का फैसला ले लिया है। 50 सालों तक कांग्रेस पार्टी की सेवा करने के बदले मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के मिले इनाम के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। उन्होंने कहा है कि मैं अब कांग्रेस में नहीं रहूंगा। हालांकि वो बीजेपी में जाएंगे या नहीं, इस पर भी उन्होंने बड़ी बात कह दी है। अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो कांग्रेस में भी नहीं रहेंगे। एक इंटरव्यू में अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं अभी तक कांग्रेस में हूँ, लेकिन आगे कांग्रेस में नहीं रहूंगा। मेरे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था। कैप्टन ने कहा कि 50 साल बाद मेरी विश्वसनीयता पर संदेह किया जा रहा है, ये असहनीय है। उन्होंने कहा कि अब अपमान सहन नहीं होता। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन अटकलों पर मुहर लगा दी जो 18 सितंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने के बाद लगाई जा रही थी। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया और उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया जिसमें कहा जा रहा था कि वो जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार ने बताया कि पूर्व सीएम ने अमित शाह से मिलकर किसानों से जुड़े मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच कृषि कानूनों को लेकर जारी प्रदर्शन पर बात हुई। कैप्टन ने अमित शाह से जल्द इन कानूनों को वापस लेकर MSP लागू करने की मांग उठाई। इसके अलावा पंजाब में अलग अलग फसल उगाने पर जोर देने की भी अपील की। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की है। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल सका है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और अजीत डोभाल के बीच क्या चर्चा हुई, लेकिन अमरिंदर सिंह और अजीत डोभाल की ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि पंजाब से लगते पाकिस्तान बॉर्डर को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि पूर्व सीएम ने हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला बोलते हुए कहा था कि सिद्धू की इमरान खान और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कमर बाजवा से गहरी दोस्ती है और अगर उन्हें पंजाब में किसी भी बड़े पद पर रखा जाता है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सही नहीं होगा, वो सिद्धू को सीएम नहीं बनने देंगे। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद के बाद एक और दिग्गज कांग्रेसी नेता ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू भी कांग्रेस पार्टी में टिकेंगे या नहीं, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में बिखरती कांग्रेस पार्टी को कैसे संभाला जाए, ये राहुल गांधी को नहीं बल्कि सोनिया गांधी को सोचना होगा, वरना आगामी विधानसभा चुनावों में पंजाब कांग्रेस के हाथ से जा सकता है। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि आपकी राय सबसे अहम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए VFN न्यूज़।